यह है एक बजाज कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर जो कि कंप्लीट डेड कंडीशन में है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इस कपलर को खोलना पड़ेगा क्योंकि ये कपलर मशीन के आर्मेचर के साथ कनेक्ट हुआ रहता है। इस कपलर को खोलने का सबसे आसान तरीका है, एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए और इस कपलर को क्लॉकवाइज पुश कीजिए इस तरह। तो चलिए अभी बाकी नटों को भी खोल लेते हैं ताकि ये मोटर आसानी से बाहर निकल जाए। फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आप भी इस मोटर को आसानी से अपने घर पे ही रिपेयर कर सके। सबसे पहले ये दोनों कार्बन ब्रश को निकाल लेते हैं। अभी मोटर के ये दो नट को खोल लीजिए। तो चलिए अभी इस फील्ड कॉइल को अलग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये कॉइल थोड़ा गंदा हो गया है, इसको अच्छे से साफ करना पड़ेगा। आप कॉइल को साफ करने के लिए पेट्रोल या अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इस कॉइल को थोड़ा हीट कर लेते हैं इस हीट गन के मदद से, ताकि ये कॉइल अच्छे से सूख जाए। चलिए अभी इस फील्ड कॉइल को चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करते समय अपने सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिए। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करते समय सीरीज कनेक्शन का ही इस्तेमाल कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस फील्ड कॉइल के एक साइड के वाइंडिंग में प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो चलिए इस साइड के वाइंडिंग को खोल के चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस साइड के वाइंडिंग में से एक वायर बर्न होके कट हो गया है। तो चलिए इसको रिपेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस कॉइल के खराब होने का मेन कारण है इसका वाइंडिंग। ये एल्युमिनियम वायर से वाइंडिंग किया हुआ है। फ्रेंड्स, एल्युमिनियम वायर हीट होने से आसानी से टूट जाता है। एल्युमिनियम वायर का हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी बहुत ही लो होता है, इसलिए आप जब भी कोई मोटर से चलने वाले सामान को बाय करें तो मेक श्योर के वो प्रोडक्ट कॉपर से वाइंडिंग किया हुआ हो। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है जो कि कॉपर से वाइंडिंग किया हुआ है, आप चाहे तो वो प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी तारों को अच्छे से इंसुलेट कीजिए। अभी सभी कनेक्शन को अच्छे से जिप टाई लगा के फिक्स कर दीजिए ताकि वायर हिले ना। तो चलिए अभी इस वाइंडिंग को चेक कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, मोटर को फिट करते समय इस बॉल को ज़रूर लगाइए। इस बॉल के मदद से ही ये मोटर फ्रीली रोटेट होता है। तो चलिए आगे मोटर को टेस्ट कर लेते हैं। अब इस मोटर को मिक्सर के अंदर फिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि अगर आप इस कनेक्शन को अच्छे से ना समझ पाए तो ये मोटर जल भी सकता है। देखिए फ्रेंड्स, फील्ड कॉइल के दो वाइंडिंग है। राइट साइड के वाइंडिंग से चार कनेक्शन लूप निकला हुआ है और लेफ्ट साइड के वाइंडिंग से दो कनेक्शन लूप निकला हुआ है। फ्रेंड्स, राइट साइड के चार लूपों में से एक वायर कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट होगा और बाकी तीन वायर इस रोटरी स्विच में कनेक्ट होगा और लेफ्ट साइड के कॉइल का एक लूप कार्बन ब्रश के साथ कनेक्ट होगा और सेकेंड लूप इस ओवरलोड स्विच के साथ कनेक्ट होगा। अभी एसी कनेक्शन के न्यूट्रल वायर को इस ओवरलोड के स्विच के बचे हुए टर्मिनल के साथ कनेक्ट कीजिए। और फेस के टर्मिनल को इस रोटरी स्विच के एक टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए जिसमें कि पी लिखा हुआ रहता है और ये इंडिकेशन एलईडी लैंप न्यूट्रल और फेस में डायरेक्ट कनेक्ट होगा। अगर आप इस कनेक्शन को सर्किट डायग्राम से समझना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए इस कनेक्शन को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कनेक्शन प्रॉपर हो गया है और ये मोटर भी ठीक हो गया है। फ्रेंड्स, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अरिंदम, मिलते हैं एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।